बसमिल फैमिली कैसे है आप सब आई होप सब ठीक ठाक होंगे अलावा आप सबक़बान में रखें सबको बुरे वक्त महफूज फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि आपने पीरियड्स के बाद प्रॉपर तरीके से सुन्नत के मुताबिक गुस्ल किस तरह से करना है साथ ही मैं आपको बताऊंगी की हसल जनाबत किस तरह से किया जाता है मेरी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनको प्रॉपर तरीका नहीं पता और इस बारे में बात भी नहीं की जाती सिर्फ ये सोच के कि कोई आपसे कहेगा कि आपको इतनी बेसिक चीजें नहीं पता इसी चक्कर में इसी डर की वजह से आपस में बात भी नहीं की जाती और जानने की कोशिश भी नहीं की जाती कि सही तरीका क्या है आपस में बात नहीं की जाती है और जो जिसको जितना पता है जैसे पता है वो उसी तरीके कार पर चल रहा है ये भी श्योरिटी नहीं होती कि आप हौसल करने के बाद पाक हुए भी हैं या नहीं तो फ्रेंड्स आज मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी इस वीडियो में वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा तो चलिए पहले बात कर लेते हैं निजात की यानी कि इम्प्योरिटीज़ की फ्रेंड्स इम्प्योरिटीज़ दो तरह की होती हैं एक माइनर इम्प्योरिटी और एक मेजर इंप्योरिटी अगर माइनर इंप्योरिटी की बात करूँ तो माइनर इम्प्योरिटी में यूरिन स्टूल और आपके जिसम से जो डिस्चार्ज होता है यानी कि वर्जाइनल डिस्चार्ज वाइट कलर का पानी ये सारी चीज़ें आती हैं माइनर इंप्योरिटीज़ में यानी कि अपने जिसम को आप साफ करके वजू करके ख़ुद को पाक कर सकते हैं कुरानी पाक पढ़ सकते हैं नमाज पढ़ सकते हैं अगर मैं मेजर इंप्योरिटीज़ की बात करूँ तो मेजर इंप्योरिटीज़ में आपके मंथली साइकिल मिया बीवी का रिश्ता यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स और नफाज का खून यानी कि जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद 40 दिन जो औरत को ब्लीडिंग होती है उसे कहते हैं नफास का खून किसी को 40 दिन होता है किसी को 30 दिन होता है सबका अपने जिसम के मुताबिक ये सर्कल होता है तो फ्रेंड्स ये हैं मेजर इंप्योरिटीज़ जिसमें आप वज़ू करके ख़ुद को पाक नहीं कर सकते आपको प्रॉपर गसल करना होता है सुन्नत के मुताबिक या फ़र्ज गुसल करना होता है उसके बाद ही आप पाक होते हैं और आप अपना तिलावत कर सकते हैं कुरानी पाक पढ़ सकते हैं तो अब मैं आपको बताती हूँ कि फ़र्ज़ गुसल और सुनत गुसल में क्या फ़र्क है तो फ्रेंड्स अगर फ़र्ज़ गुसल की बात करें तो फ़र्ज़ गुस्ल में आप अपने अपने सबसे पहले जो भी नजाजत आपके बॉडी पे लगी हुई है उसे साफ करना है अपने हैंड्स को वॉश करना है और तीन बार नाक में पानी चढ़ाना है नाक की नरम हड्डी तक तीन बार पानी चढ़ाना है हली में जहां तक मुमकिन हो सके आपने पानी ले जाके कुल्ली करनी है तीन बार और अपने पूरे जिस्म पे पानी बहाना है और यह ख्याल रखना है कि जिस्म का बाल बराबर भी हिस्सा सूखा नहीं रहना चाहिए अगर आप ये सारे फर्ज पूरे कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप पाक हो चुके हैं आप कुरान पाक पढ़ सकते हैं आप अपनी इबादत कर सकते हैं तिलावत कर सकते हैं नमाज पढ़ सकते हैं अगर सुन्नत तरीके की बात करूँ तो सुन्नत तरीके में आपके बॉडी पे जो भी निजाजत लगी हुई है सबसे पहले उसे वॉश कीजिए उसके बाद अपने हैंड्स को को वॉश वॉश कीजिए और उसके बाद आपने, उसके बाद बाद आपने 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 सर से से पैर तक अच्छे से जिसम को करना है इसमें ख्याल रखना है कि आपकी सर की जड़ें अच्छे से गीली होनी चाहिए आपके जिसम का कोई भी पार्ट सूखा नहीं होना चाहिए इसमें आप साबुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो साफ पानी से भी पूरे जिसम को धो सकते हैं और इस तरीके से भी आप पाक हो जाएंगे और आप अपना इबादात कर सकते हैं फ्रेंड्स अगर मैं आपसे मिस्टेक्स की बात करूं वो मिस्टेक्स जो अक्सर लोग करते हैं और उन्हें इस बात का पता भी नहीं होता कि वो कितनी बड़ी मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका गसल पूरा ही नहीं होता आप पाक साफ होते ही नहीं हैं अगर फर्स्ट मिस्टेक की बात करूं तो इसमें आपने सबसे पहले ये ख्याल रखना है कि जब आप नहाने जाएंगे तो आपके जिसम का कोई भी हिस्सा सूखा नहीं होना चाहिए आपने अच्छे से जड़ों में पानी डालना है आपने उंगलियों में इस तरह से उंगलियों की ये जगह आपने चेक करनी है आपने अपने पाँव की उंगलियों की ये जगह चेक करनी है कि कोई सूखी तो नहीं रह गई है अगर मिस्टेक नंबर टू की बात करूँ तो आपने अगर कोई भी ज्वेलरी पहन रखी है रिंग्स पहन रखी हैं तो या तो उन्हें उतार दीजिए या फिर अपनी ज्वेलरी को इतना ढीला कर लीजिए ताकि पानी आराम से बह जाए क्योंकि अगर वो जगह खुश्क रह गई तो फिर आपका गसल फ़र्ज मुकम्मिल नहीं हो सकेगा अगर मिस्टेक नंबर थ्री की बात करूँ तो इसमें है आपकी नील पेंट आपने गसल करने से पहले फ़र्ज गसल करने से पहले गुस्सें जनाबत करने से पहले सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि आपके नेल्स पे कोई नील पॉलिश तो नहीं लगी हुई क्योंकि नील पॉलिश एक बैरियर का, का काम करती है पानी को आपके नेल्स तक नहीं जाने देती है तो आपने अपनी नीज़ पॉलिश को उतारना है और उसके बाद अपना गसल कंप्लीट करना है फ्रेंड्स अगर मेरी बहुत सारी बहनें ये कहें कि जिनके बाल लंबे होते हैं जिनकी चोटी बनी हुई होती है उन्हें ये प्रॉब्लम होती है कि हम बार बार चोटी कैसे खोलें तो आप मत खोलिए परेशान मत होइए हमारा मजहब बहुत बहुत सहूलत देता है हमें आप बस इतना कीजिए कि आप अपने बन बालों के साथ भी नहाना चाहते हैं तो नहा सकते हैं लेकिन बस इस बात का ख्याल रखना है कि आपके बाल एक एक बाल आपका पानी से तर हो जाना चाहिए जड़ों तक तर हो जाना चाहिए जड़े भी तर हो जानी चाहिए से समझ आ गई होगी कि फ़र्ज़ गुसल की तरीका क्या है फ़र्ज़ गुसल आपने किस तरह से करना है किन किन चीज़ों का किन किन बातों का ख्याल रखना है और इस पे अमल करके आप इन अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल पाक और साफ हो जाएंगे और अपनी वादा कंप्लीट कर सकेंगे इस वीडियो को आपने अपने ग्रुप में तमाम बहनों के साथ शेयर करना है ताकि कोई अगर भूले से थोड़ी सी भी मिस्टेक कर रहा है तो उसकी ये मिस्टेक बिल्कुल ठीक हो जाए आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिएगा बहन को सपोर्ट कीजिए ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलती रहे तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज